नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राहुल शुक्ला। मुंबई के साथ साथ पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। भक्तों ने रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पूजा अर्चना की। हम आपको दिखा रहे हैं चार तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं देश के अलग अलग मंदिरों की, जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के भक्तों ने पूजा अर्चना की। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में भगवान की पूजा की गई, वहीं पंढरपुर और शिरडी में भी भक्तों ने भगवान की पूजा की। बेंगलुरु में भी भक्तों ने भगवान के जन्म के बाद पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी में कैसे करें भगवान कृष्ण की पूजा, कैसे हो भगवान को प्रसन्न करने की विधि, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अशोक शर्मा। पंडित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल है जिसका कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता है। राहुल जी, ऐसा है कि भगवान तो सिर्फ प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाव और प्रेम का ही होना ये आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज जुड़नी चाहिए, जो है क्रियाएं। उसमें कुछ क्रियाएं भी होनी चाहिए। मात्र भावना द्वारा हम सबको अच्छा कहें, शुद्ध कहें, सात्विक कहें, ऐसा नहीं हो सकता है, और सभी तरह से समर्पित हो जाएं ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसमें कुछ क्रियाओं की बात कही गई है। जन्माष्टमी जो है इसमें बहुत सारी क्रियाओं का भी समावेश है, इसलिए उन सारे रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए जो पंचोपचार पूजा है या षोडशोपचार पूजा है। सामान्य जन जो है राहुल जी, उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने घरों में वो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उस समय वो पंचोपचार पूजा करें, पांच चीजों से भगवान की पूजा करें। उन पांच चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं, या फिर ऐसा होता है कि षोडशोपचार पूजा करते हैं तो षोडशोपचार पूजा के अंदर ऐसा होता है कि आप 16 चीजों से पूजा करते हैं, मगर इन दोनों पूजाओं में पंचोपचार पूजा आसान है और भावना के साथ की गई तो महत्वपूर्ण फल देने वाली होती है, ऐसा है। रात के 12 बजे कृष्ण के जन्म की बात कही गई है। जन्म का महत्व क्या है और 12 बजे का ही चयन क्यों किया है भगवान ने? आमतौर पर इस तरह से होता है कि तिथि और तिथि को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन जन्माष्टमी का खास महत्व क्या है? जन्माष्टमी का महत्व ये है कि इस पूजा में भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। अब इसमें जो ज्योतिष की गणना है या फिर जो भगवान ने कहा है अपने ग्रंथों में, उसके आधार पर अष्टमी तिथि को उनका जन्म हुआ है, उनका जन्म मध्य रात्रि को हुआ है। इसलिए जब अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि हो, भाद्रपद मास में रोहिणी नक्षत्र हो और सूर्य जो है वो सिंह राशि में हो, ऐसा कहा गया है जो कि अब संभव नहीं है, तब उनका जन्म होना चाहिए। इसलिए इसका महत्व ये है कि जैसे आपका चैनल TV9 है, ये बेटर सोसाइटी के लिए है, सामान्य लोगों को या समाज को अच्छा देने के लिए है। तो ये जन्म उत्सव भी है जो पूरे सोसाइटी को एक बहुत सुंदर मैसेज देने के लिए है, बहुत सुंदर समाज बनाने के लिए है। भगवान ने कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होती है मैं पैदा होता हूँ। तो इसके जन्म उत्सव में भी ये महत्व है कि उन्होंने जन्म लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये समाज को अच्छा करने के सूत्र देते हुए उन्होंने जन्म लिया है। अष्टमी हो चुकी है, यानी कि भगवान ने जन्म ले लिया है। रात 12 बजे सभी भक्तों ने पूजा भी कर ली है। आज सुबह हो चुकी है, सूर्योदय हो चुका है। आज का दिन कैसा होना चाहिए भक्तों के लिए, किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, रिचुअल्स के अंदर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पंचोपचार पूजा करिए, दीपक, धूप, नैवेद्य, फल, पुष्प, जल इत्यादि से भगवान को पूजन करिए। ये पंचोपचार पूजन है। उसका विधान ऐसा है कि आज के दिन यानी रात को ही, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अष्टमी मना चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी आज अष्टमी मनाएंगे और बहुत सारे लोग कल भी मनाएंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अगर जिन्होंने अभी अष्टमी का जन्म नहीं मनाया है, उन लोगों के लिए रात को 7 लोगों की पूजा करने का विधान बताया गया है। एक तो माता देवकी का, दूसरा भगवान कृष्ण का, ये 2 मुख्य हो गए, लेकिन साथ ही साथ देवकी के साथ वसुदेव का, बलभद्र का, सुभद्रा का, कृष्ण स्वयं का, यशोदा का है, और इन 7 लोगों को पंचोपचार पूजा करनी ये बहुत आवश्यक है। इस सूत्र के अंदर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत सफल और सुंदर होता है, ऐसा संकेत छुपा हुआ है। पंडित जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि कुछ लोग जन्माष्टमी मना चुके हैं, कुछ लोग आज जन्माष्टमी मनाएंगे, ये अलग अलग मान्यताएं क्यों हैं? आखिरकार इस तरह से क्यों होता है? ये राहुल,
जी तिथि के आधार पर है। क्या होता है हमारे हिंदू पंचांग में तिथियां आगे पीछे होती हैं। जो भी त्योहार चंद्र के आधार पर मनाए जाते हैं उसमें तिथियां आगे पीछे होती हैं। तो कुछ लोग अष्टमी तिथि को महत्व देते हैं, कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को महत्व देते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सप्तमी जिस दिन शुरू हुई है उस दिन अगर अष्टमी है तो उस दिन हम नहीं मानेंगे, जिस दिन अष्टमी सुबह सूर्योदय के समय शुरू है उसी को मानेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन इसमें भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तिथियों के झमेले में अपने आप को न रखें, अगर है तो हर दिन पूजा करें। कृष्ण को लेकर शंखनाद की भी बात की जाती है, शंख भी उनको प्रिय रहे, इसके क्या महत्व है, क्या अवधारणा है पौराणिक, इस बारे में भी जरा रोशनी डालें। शंख के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कृष्ण को तो प्रिय है, सभी देवताओं को उससे पूजन किया जाता है, लेकिन आज का जो दिन है जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्ण की पूजा होती है रात को, नाम भी कृष्ण चंद्र है उनका। तो कृष्ण की पूजा के पश्चात चंद्र को अर्घ देना और कृष्ण को अर्घ देना शंख द्वारा, ये बड़ा शुभ फल देता है। जिनके यहाँ संतान नहीं होती है, बहुत बार कहते हैं ना हमें सफलता नहीं मिल रही है, संतान नहीं हो रही है, कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो उनको चंद्र को अर्घ देना चाहिए शंख से, ओम सोमाय नमः इस मंत्र के साथ। अगर वो शंख द्वारा भगवान चंद्र को अर्घ दें, भगवान कृष्ण को अर्घ दें, तो ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। रहा सवाल शंखनाद, तो शंखनाद हर शुभ काम में मान्य है, क्योंकि ये शंखनाद दूषित वातावरण में जो दूषित भावनाएं हैं उनको हटा देता है और एक उत्साह का सृजन करता है, इसलिए भी ये करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने अर्घ की बात की है, तो शंख को लेकर अर्घ कैसे दिया जाता है चंद्र को और श्री कृष्ण को? जैसे ये शंख है, दाहिने हाथ का शंख है, और इस शंख में जब हम पूजा के बाद जल आदि भरते हैं, माथे के ऊपर ले जाएं, ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः इस मंत्र से अर्घ दें, तो ये तरीका हो गया अर्घ देने का। अर्घ देने के बाद आप चाहे तो उस मंत्र का जप कर सकते हैं, बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से करें। जिनके पास दाहिने हाथ का शंख नहीं है कोई बात नहीं, वो बाएं हाथ के शंख के साथ भी कर सकते हैं, जो शंख बजाने वाला होता है, दोनों हाथ से पकड़ें, जल लें और भगवान चंद्र को और भगवान कृष्ण को अलग अलग दो बार अर्घ दें, ये ज्यादा महत्व। अर्घ देने का विधान बहुत ही आसान है और इसका फल बहुत अच्छा है, इसलिए भी ये करना चाहिए। पंडित जी, भगवान को तो बाल गोपाल क्वाला भी कहा जाता है, तो अर्घ अगर देना है तो सिर्फ जल का ही उपयोग किया जा सकता है या फिर दूध दही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अर्घ देने के लिए आप जल का भी उपयोग कर सकते हैं, जल में दूध भी मिला सकते हैं, ये पुष्टिवर्धक तत्व है, इसलिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है अर्घ देने के लिए। जैसे शिव को अर्घ दिया जाता है उसी तरह से यहाँ पर कृष्ण को भी अर्घ दिया जा सकता है, चंद्र को भी दूध का अर्घ दिया जा सकता है, दूध पिलाने से और ही अच्छा बात है। लेकिन चंद्र का जल तत्व जो है वो सहज उपलब्ध है, हमारी जो रिचुअल्स है वो बड़े निम्न वर्ग से लेके बड़े श्रेष्ठ वर्ग तक सबके लिए है। अगर मैं सिर्फ दूध की बात कर दूंगा, सिर्फ मक्खन की बात कर दूंगा, सिर्फ घी की बात कर दूंगा, तो जो हमारे नीचे साथी हैं वो बड़े निराश हो जाएंगे, जबकि हमारे धर्मगत ऐसा नहीं कहते हैं, भाव के साथ थोड़ी क्रियाएं होनी चाहिए। तो जल सहज उपलब्ध है, आप जल का अर्घ दें वो अच्छी बात है। आज जन्म हो चुका है, यानी कि नंद के घर में पहुंच चुके हैं नंदलाल, और अब नंदलाल कहलाए जाएंगे क्योंकि नंद के गांव में पहुंच चुके हैं। तो जब नंद गांव पहुंचे थे, कृष्ण पहुंचे थे, जब पता चला पूरे गांव को कि कान्हा का जन्म हो चुका है, तो उस दौरान किस तरह का उत्सव मनाया गया था और तब से लेकर किस तरह का उत्सव मनाया जाता रहा है? बहुत ही सुंदर राहुल जी, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं नंद उत्सव की, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म होता है अष्टमी की रात में, मध्य रात्रि को, और नंद उत्सव मनाया जाता है दूसरे दिन, जिसमें बच्चे सब लाल गोपाल जो है, छोटा बालक कृष्ण है, वो दही हंडी फोड़ते हैं और सब उत्सव मनाते हैं। बड़ा सार छुपा हुआ है, सार ये है कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि मेरा जन्म होता है मुश्किलों में, और मुश्किलों को हटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो वो कैसे अधर्म और मुश्किलों को हटाया जाए, तो 15 दिन का पखवाड़ा है, अष्टमी तिथि को जन्म लेंगे, यानी मध्य मार्ग का उपयोग करेंगे, मध्य रात्रि को जन्म लेंगे, इसका मतलब मध्य मार्ग का उपयोग करेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत मुश्किलों में है तो मध्य में जन्म लीजिए, मध्य में रहिए, संतुलित रहिए। अगर आप इस तरह से संतुलित हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। जैसे कि राहुल जी, दूसरे दिन नंदोत्सव है, वहां भी एक संकेत है, संकेत यह है कि जीवन में सफलता आपको पानी है। एक छोटा बच्चा जिसका रात को जन्म हुआ है वो कल बड़ी दही हंडी तो नहीं फोड़ सकता है, लेकिन यहाँ सूत्र ये छुपा हुआ है कि अगर आपको अपने जीवन के ऊपर उठे हुए बड़े लक्ष्यों को पाना है, जिसमें दही है, मक्खन है, ये आपके लक्ष्य है जीवन के,
जिनको आपको पाना है तो उसके लिए एक संगठन की जरूरत होती है, एक एकजुटता बनानी पड़ती है। तो एकजुट होने का संकेत भगवान ने यहाँ दिया है नंदोत्सव के द्वारा कि आप एकजुट हो जाइए और आप अपने लक्ष्य को पूरा करिए। तीसरा और महत्वपूर्ण संकेत इसमें यह है कि ये सारा करते हुए चंद्र रोहिणी नक्षत्र का उत्साहित करता है, तो हमेशा उत्साहित रहिए। चौथा प्रबल संकेत ये है कि ये जो हंडी फूट रही है ये सिर्फ संगठन से नहीं फूट रही, एक योजना भी होनी चाहिए। तो संयमित रहिए, उत्साहित रहिए, संगठित करिए और उस परम लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाइए। ये चार संकेत है इस उत्सव के अंदर। उत्सव मनाइए, आनंदित हो जाइए, लेकिन इन सारे चारों संकेतों का अपने जीवन में उतार लीजिए और देखिए पूरा साल कितना अच्छा जाता है। बिल्कुल एकदम सरल और साफ शब्दों में वर्णन किया है पंडित जी ने कि एक संदेश दिया है भगवान ने अपने जन्म के रूप में, मध्यरात्रि में जन्म दिया उन्होंने, उसके बाद सभी को संगठित होने की यानी कि एकत्रित होने का एक संदेश दिया है। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो सकते हैं।